वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग आज स्टडी करेंगे प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मेन टाइप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स, ठीक है। और अल्फा हेलिक्स के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इससे क्या क्या न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं, वो सबको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो याद रखना है, ये टॉपिक जो अल्फा हेलिक्स है वो बहुत आसान है लेकिन बहुत वास्ट है, तो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। वही मैंने लिखा है कि हम लोग आज क्या स्टडी करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में आज हम लोग स्टडी करेंगे अल्फा हेलिक्स के बारे में, जो कि क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मेन टाइप होता है, ठीक है। वैसे हम लोगों ने प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लिया है, आप देख सकते हैं सीरीज ऑफ लेक्चर्स, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का मेरे प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, या मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम लोग बोलेंगे कि जो अल्फा हेलिक्स है ना, अल्फा हेलिक्स में हम लोगों को क्या क्या स्टडी करना है। सबसे पहला चीज अल्फा हेलिक्स में हम लोगों को स्टडी करना है कि अल्फा हेलिक्स क्या होता है, सबसे पहला चीज मैंने वही लिखा है यहाँ पर। दूसरा, हम लोगों को स्टडी करना है कि अल्फा हेलिक्स में क्या क्या स्टेबिलाइजिंग फोर्सेस होता है, या क्या क्या बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल होता है अल्फा हेलिक्स को बनाने के लिए, वो हम लोगों को स्टडी करना है स्टेबिलाइजिंग फोर्सेस में। तीसरा, हम लोगों को स्टडी करना है कि अल्फा हेलिक्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो सकता है, ठीक है, वो हम लोगों को स्टडी करना है, डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। चौथा, हम लोगों को स्टडी करना है कि अल्फा हेलिक्स का क्या क्या डायमेंशन हो सकता है, और हम लोग बोलेंगे इससे क्या क्या न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकता है, ये सब के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। डायमेंशन में हम लोग देखेंगे हेलिक्स पिच के बारे में, एक्सियल राइज के बारे में, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे लास्ट में, कि क्या क्या फैक्टर्स होता है जो क्या करता है अल्फा हेलिक्स के स्टेबिलिटी को, क्या करता है हम लोग बोलेंगे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सब सारा का सारा हम लोगों को स्टडी करना है अल्फा हेलिक्स के अंदर, और हम लोग को डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि ये अल्फा हेलिक्स क्या होता है, ठीक है। तो देखो, बहुत आसान है, कैसे करके आसान है, देखो याद रखना है कि अल्फा हेलिक्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। याद रखना, अल्फा हेलिक्स क्या है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। कैसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, तो हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो हम लोग को क्या पता है, देखो अगर हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे ना, अगर इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, तो याद रखना प्रोटीन का हम लोग बोलेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर का चार मेन टाइप होता है, ठीक है। सबसे पहला टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहला टाइप को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दूसरा जो टाइप होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तीसरा जो टाइप होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। चौथा जो प्रोटीन स्ट्रक्चर का टाइप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को 1 डिग्री में बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को 2 डिग्री में बोलते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को 3 डिग्री में बोलते हैं, और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम लोग 4 डिग्री में बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लेवल ऑफ, याद रखना है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम लोग फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम लोग सेकंड लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर बोलते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम लोग थर्ड लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर बोलते हैं, और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम लोग फोर्थ लेवल प्रोटीन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। अब देखो क्या चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फर्दर फोल्डिंग होता है, और क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। फिर हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फर्दर फोल्डिंग होगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा। फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर से हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनेगा। इसका मतलब हो गया कि ये जो प्रोटीन का जो अलग अलग जो स्ट्रक्चर बन रहा है, वो किससे बन रहा है, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से ही बन रहा है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में चेंज हो रहा है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में चेंज हो रहा है, फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहां पर क्या होता है, अगर हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का अगर हम लोग टाइप्स को देखेंगे, मेन टाइप्स को, तो याद रखना इसका तीन मेन टाइप होता है। सबसे पहला जो मेन टाइप होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, इसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है, याद रखते हैं हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा शीट बोलते हैं, या बीटा प्लेटेड शीट बोलते हैं, ठीक है। और जो तीसरा जो टाइप होता है, तीसरा जो टाइप होता है किसका, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, उसको हम लोग बोलते हैं कॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो यही हेलिक्स के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है, और मोस्ट कॉमन जो हेलिक्स होता है वो हम लोग बोलेंगे कौन सा हेलिक्स होता है, अल्फा हेलिक्स होता है, क्योंकि इसी से एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। वैसे हेलिक्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो मैंने बताया है कि हेलिक्स भी फर्दर क्लासिफाइड इनटू अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, गामा हेलिक्स, एंड हम लोग बोलेंगे पाई हेलिक्स, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा हेलिक्स होता है, अल्फा हेलिक्स होता है, वही के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये हेलिक्स क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, ये किससे बना होगा, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से बना होगा, याद रखना है, ठीक है।
तो अगर हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन को देखेंगे तो देखो प्राइमरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं अबंडेंटली, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में क्या होता है, केवल हम लोग बोलेंगे क्या होता है एमिनो एसिड्स का, क्या होता है हम लोग बोलेंगे ऐसे करके चेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओनली हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स का चेन प्रेजेंट होता है, याद रखना है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, ठीक है। एक तरफ एन टर्मिनल होगा, एक तरफ सी टर्मिनल होगा, और ये सब क्या आप लोग बोलेंगे, सब क्या, ये सब एमिनो एसिड्स है। इसके बीच में देखो ये सब क्या चीज है, ये सब क्या चीज आप लोग बोलेंगे, ये सब पेप्टाइड बॉन्ड्स है। ये सब क्या मैंने बताया, ये सब क्या पेप्टाइड बॉन्ड्स है, ये सब पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये सब क्या चीज है पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये सब ये क्या चीज आप लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या रहता है, आप लोग बोलेंगे केवल एमिनो एसिड्स का चेन मिलता है, और वो एमिनो एसिड्स का चेन किसके थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज या एमाइड लिंकेज या ओमेगा लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर समझते हैं, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ना, ठीक है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में याद रखना है क्या डेवलप होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होता है, क्या डेवलप होता है हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब डेवलप होगा तो हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे हेलिक्स आता है, बीटा शीट आता है, कॉइल आता है। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, हेलिक्स के बारे में ना, अल्फा हेलिक्स के बारे में पढ़ना है ना। तो याद रखना है जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर का अल्फा हेलिक्स बनेगा ना, उस टाइम पे याद रखना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा चेन, क्या चेन हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे, जो किसमें डेवलप हुआ, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में डेवलप हुआ, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या बना, हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स बना, तब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स देखो हम लोग बोलेंगे क्या क्या चीज में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे हेलिकल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। एक तरफ क्या होगा एन टर्मिनल होगा, एक तरफ क्या होगा सी टर्मिनल होगा। ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, इसी हेलिकल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी हेलिकल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन है अल्फा हेलिक्स, इसीलिए हम लोग अल्फा हेलिक्स के बारे में यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या चीज होगा, अल्फा हेलिक्स में क्या दिखेगा, क्योंकि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही बना है ना, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से अल्फा हेलिक्स बनेगा, तो ये सब क्या है, देखो ये सब एमिनो एसिड्स है, ये सब ये एमिनो एसिड्स है, देखो यहाँ पर ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सब एमिनो एसिड्स है, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स है ना, ये सब देख सकते हैं, ठीक है। और एमिनो एसिड्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड से, ये पेप्टाइड बॉन्ड से, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। ये सब क्या पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी क्या पेप्टाइड बॉन्ड, ये सब, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे चूंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, वन डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, डेवलप हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग बोलेंगे इसको ऐसे करके मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या चीज रहेगा, क्या डेवलप होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप होगा, ठीक है। देख सकते हैं ये सब क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये सब क्या चीज है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ठीक है, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हम लोग बोलेंगे, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक ही चेन के अंदर, इसी चेन में डेवलप होना है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चूंकि जब एक ही चेन में डेवलप होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलेंगे, या क्या बोलेंगे उसको हम लोग, इंट्रा चेन क्या चीज, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। तो देखो, तो अब हम लोग कैसे करके डेफिनेशन को बनाएंगे अल्फा हेलिक्स का, देखो कैसे करके बनाएंगे कि अल्फा हेलिक्स क्या होता है, अल्फा हेलिक्स हम लोग बोलेंगे कि प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, अल्फा हेलिक्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जो बनता है किससे, हम लोग बोलेंगे जो बनता है प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर से, कैसे करके बनता है, तो हम लोग बोलेंगे जब प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या डेवलप हो जाता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाता है, कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तब जाके हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का नया स्ट्रक्चर बनता है, उस प्रोटीन के नए स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, या हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हम लोग अल्फा हेलिक्स बोलेंगे, ठीक है, सिंपल है। तो वही डेफिनेशन देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स क्या होता है कि अल्फा हेलिक्स एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, अल्फा हेलिक्स देख सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, जो कि बनता है हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, जो कि बनता है किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंट्रा मॉलिक्यूलर या इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा बनता है, किसमें हम लोग बोलेंगे
प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में जब इंट्रा मॉलिक्यूलर या इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप कर जाता है तब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हम लोग बोलेंगे अपने आप को अरेंज कर लेता है हेलिकल मैनर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, या हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स बोलेंगे, ठीक है याद रखना है, ठीक है ना। तो इसी यही हम लोग बोलेंगे क्या चीज है अल्फा हेलिक्स का डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये अल्फा, ये जो हेलिक्स है ना, मोस्ट कॉमन अल्फा हेलिक्स होता है ना, इसमें याद रखना जितना भी हेलिक्स होगा सारा का सारा हेलिक्स में कैसा ये होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, हम लोग बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, या इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, याद रखना, ठीक है। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप हुआ या इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप हुआ तब जाके हेलिक्स बनेगा, कोई सा भी हेलिक्स, अल्फा बीटा गामा पाई रहे, कोई सा भी हेलिक्स बनेगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है अल्फा हेलिक्स है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ प्रोटीन्स का जब प्रोटीन जब बनता है तो उसका जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर देखा जाता है तो उसमें कौन सा हेलिक्स दिखता है हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स दिखता है, इसीलिए हम लोग अल्फा हेलिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स अगर मान लो इंटर क्या चीज हम लोग बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर या हम लोग बोलेंगे इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेगा तब याद रखना तब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बीटा शीट में चेंज हो जाएगा। मतलब अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स इंटर मॉलिक्यूलर रहता या इंटर चेन रहता तब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर हेलिक्स नहीं बनके क्या बनता बीटा शीट बनता, ठीक है। अब कॉइल कैसे बनेगा, तो कॉइल भी याद रखना कैसे बनेगा हम लोग बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या बनता है हम लोग बोलेंगे कॉइल का फॉर्मेशन होता है, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जब प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या चीज डेवलप हो जाए हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप हो जाए, ठीक है। तो ये मैं पढ़ाया हूं, आप देख सकते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर जो सीरीज ऑफ लेक्चर आप देखना आपको समझ में आएगा, अभी मैं अल्फा हेलिक्स पे फोकस कर रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया अल्फा हेलिक्स को कैसे करके हम लोग डिफाइन किए, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, वही मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आता है ना कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ना इसमें कोई भी फोल्डिंग नहीं हुआ था, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम लोग बोलेंगे कोई भी फोल्डिंग नहीं हुआ था, नो फोल्डिंग्स, ठीक है। जब कोई भी प्रोटीन बनता है तो उसमें इनिशियली हम लोग बोलेंगे वो किस फॉर्म में रहेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ही रहेगा, मतलब उसमें फोल्डिंग नहीं रहेगा वो प्रोटीन में, तो ऐसे प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं नॉन फंक्शनल प्रोटीन। क्या बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम लोग नॉन फंक्शनल बोलेंगे, या क्या बोलेंगे इसको हम लोग नॉन नेटिव बोलेंगे, याद रखना, ठीक है। नॉन फंक्शनल प्रोटीन बोलेंगे या नॉन नेटिव बोलेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी फोल्डिंग्स नहीं हुआ है, ठीक है याद रखना है। लेकिन जब प्राइमरी स्ट्रक्चर इसमें चेंज हो जाए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में चेंज हो जाए ना, ठीक है, चाहे वो हेलिक्स रहे चाहे वो बीटा शीट रहे चाहे वो कॉइल रहे, तो याद रखना है इसमें क्या हुआ हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चेंज हो गया तो इसमें कुछ फोल्डिंग्स तो दिख रहा है ना, देखो ध्यान से कुछ फोल्डिंग्स दिख रहा है, ऐसे फोल्डिंग्स को हम लोग बोलते हैं लोकलाइज्ड फोल्डिंग, ऐसे फोल्डिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं लोकलाइज्ड फोल्डिंग, ठीक है। मतलब एक छोटे से एरिया में क्या हुआ हम लोग बोलेंगे फोल्डिंग हुआ है, किसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, तब जाके वो सेकेंडरी बना, तो ऐसे फोल्डिंग को हम लोग बोलेंगे लोकलाइज्ड फोल्डिंग, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलेंगे टू डायमेंशनल फोल्डिंग भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे टू डायमेंशनल फोल्डिंग भी बोलते हैं। और ऐसा प्रोटीन जो बनेगा ना वो भी हम लोग बोलेंगे क्या होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन जो बनेगा ना वो भी क्या होगा हम लोग बोलेंगे नॉन फंक्शनल होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉन नेटिव बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है। तो वही मैंने बताया। अब देखो यहां से हम लोग क्या कॉन्सेप्ट निकालेंगे कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रहेगा उसमें हम लोग बोलेंगे केवल कौन सा बॉन्ड देखने को मिल रहा है, देखो ध्यान से ये क्या चीज है ये अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स के बीच में क्या चीज है पेप्टाइड बॉन्ड्स, तो याद रखना है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में हम लोग को कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है, ओनली वन को मतलब कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है, और वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहा है ना तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या क्या स्टेबिलाईजिंग फोर्स होता है, तो स्टेबिलाईजिंग फोर्स जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो फोर्स क्या होगा आप लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, याद रखना है कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो आप लोग बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स या इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा हम लोग बोलेंगे स्टेबिलाईजिंग फोर्स का काम करेगा। लेकिन अगर हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे अल्फा हेलिक्स के बारे में कि अल्फा हेलिक्स में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन सा स्टेबिलाईजिंग फोर्स काम करता है, याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो देख सकते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स या इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स काम करता है, याद रखना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को या इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या बोलेंगे स्टेबिलाईजिंग फोर्स बोलेंगे, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स को, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन बॉन्ड प्रेजेंट होगा स्टेबिलाईजिंग बॉन्ड्स क्या चीज है स्टेबिलाईजिंग फोर्स तो क्या चीज हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होता है हम लोग बोलेंगे ये एक टाइप का हम लोग बोलेंगे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है।
ये क्या होता है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और इसके साथ साथ ये भी तो देखो ना कि प्रोटीन का जो यहाँ पर अमीनो एसिड्स का जो चेन है उसके बीच में क्या चीज है, ये सब क्या चीज है, ये क्या चीज है, दो अमीनो एसिड्स के बीच में ये सब जो बॉन्ड है वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड है ना, ठीक है पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जो कि रिजिड होता है, जो कि आप लोग बोल सकते हैं प्रोटीन का बैकबोन तो बनाता है। एक्चुअल का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना प्रोटीन का, ठीक है वो किसकी वजह से बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड्स की वजह से बन रहा है, ठीक है। और देखो जहां से जो फोल्डिंग्स हो रहा है वो फोल्डिंग्स हो रहा है हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से, जो कि नॉन कोवेलेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा हेलिक्स जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है उसमें हम लोग बोलेंगे दो टाइप का बॉन्ड मिलता है, एक को बोलेंगे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, एक को क्या बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में कैसा बॉन्ड आता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंट्रा मॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स या इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और कोवेलेंट में कौन सा बॉन्ड आता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स आता है, ठीक है याद रखना है। तो देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि स्टेबलाइजिंग फोर्स क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे स्टेबलाइजिंग फोर्स जो होता है वो क्या होता है, याद रखना अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, स्टेबलाइजिंग फोर्स जो होता है अल्फा हेलिक्स में वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंट्रामॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स या इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वही मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है अल्फा हेलिक्स में याद रखना, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, बॉन्ड्स फाउंड इन अल्फा हेलिक्स, क्या क्या बॉन्ड्स मिलता है अल्फा हेलिक्स में, तो मैंने बताया एक कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड्स तो मिलना ही मिलना क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर से बन रहा है। और क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेगा जो कि नॉन कोवेलेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ लोकलाइज फोल्डिंग हुआ या हम लोग बोलेंगे 2D फोल्डिंग हुआ, ठीक है याद रखना है। और ये भी प्रोटीन क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है। तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले लेके चलता हूँ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन कैसे बन रहा है, ठीक है देखो ध्यान से, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कहाँ से आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी सेल अगर हम लोग देखेंगे तो वो सेल में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जीन्स होता है, ठीक है। वो जीन्स जब अपने आप को ट्रांसक्राइब करता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे mRNA बनता है, मैसेंजर RNA बनता है, ठीक है। अब ये मैसेंजर RNA फिर हम लोग बोलेंगे किसमें जुड़ जाता है, राइबोसोम के थ्रू जुड़ जाता है, ठीक है। तो राइबोसोम के थ्रू जब जुड़ रहा है तो फिर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम क्या बना रहा है, देखो ध्यान से राइबोसोम बना रहा है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। तो राइबोसोम क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन बोलेंगे। तो राइबोसोम से जो प्रोटीन का चेन बन के निकल रहा है ना, वो प्रोटीन का चेन कुछ नहीं है, वो हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, याद रखना है क्या चीज है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। तो राइबोसोम में भी हम लोग अगर देखेंगे क्या होता है, राइबोसोम में भी अगर हम लोग देखेंगे तो राइबोसोम में हम लोग बोलेंगे तीन साइट होते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं ए साइट, एक को हम लोग क्या बोलते हैं पी साइट, ये ए साइट है, ये पी साइट है और ये ई साइट है, ठीक है। तो कौन से साइट में हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स बन रहा है अमीनो एसिड्स के बीच में, तो याद रखना हम लोग बोलेंगे पी साइट में बन रहा है, ठीक है। ये मैं बताया हूँ ट्रांसलेशन वाला जो मेरा सीरीज ऑफ लेक्चर उसमें देखना, उसमें मैं बताया हूँ कैसे करके हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है राइबोसोम में, ठीक है पी साइट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ये मैं बताया आप देख सकते हैं। तो देखो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का क्या आ रहा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर हो रहा है, उसके बाद यही प्राइमरी स्ट्रक्चर देखो ध्यान से सेकंड लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर में चेंज हो जा रहा है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसका मोस्ट ये जिसका एग्जांपल मोस्ट कॉमन क्या चीज हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। तो मैं केवल अल्फा हेलिक्स पे फोकस कर रहा हूँ, बीटा शीट एंड कॉइल ये सब जो है वो सब सर मैं पढ़ाया हूँ, आप देख सकते हैं ये प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर जो सीरीज ऑफ लेक्चर है वो देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर याद रखते हैं ये फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर है, उससे क्या बना सेकंड लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर बना अल्फा हेलिक्स बना, ठीक है। तो यहाँ तक जो मैं बताया वो देखो मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि ये अल्फा हेलिक्स क्या होता है, तो हम लोग देखिए अल्फा हेलिक्स क्या होता है, स्टेबलाइजिंग फोर्स क्या होता है, तो भी हम लोग देखिए स्टेबलाइजिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है। क्या क्या बॉन्ड्स मिलता है अल्फा हेलिक्स में वो भी हम लोग देखिए, कोवेलेंट एंड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है, मतलब क्या चीज पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड हम लोग बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर या इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देखिए, यहाँ तक हम लोग देखिए। अब देखो अब हम लोग क्या देखेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे कि ये अल्फा हेलिक्स में, अगर मैं बार बार बोलूं अल्फा हेलिक्स में, ठीक है, अल्फा हेलिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं या अल्फा हेलिक्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है उसको हम लोग वन बाय वन डिटेल में देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है याद रखना है। तो देखो वही मैंने यहाँ पर क्या लिखा है देख सकते हैं, वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ क्या चीज अल्फा हेलिक्स, ठीक है, कि अल्फा हेलिक्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होता है, तो मैं फिलहाल अभी इतना कैरेक्टर्स बताया हूँ, ठीक है, उसके बाद और भी कैरेक्टर्स है जो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन सारा का सारा कैरेक्टर्स को अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो सबसे पहला कैरेक्टर क्या चीज है, सबसे पहला जो कैरेक्टर मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखो याद रखना है कि अल्फा हेलिक्स में मैं क्या बोलूँ, अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स देखने को मिलता है। तो कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, हम लोग बोलेंगे
इंट्रा मॉलिकुलर या हम लोग बोलेंगे इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिलता है, देख सकते हैं ये सब क्या हम लोग बोलेंगे इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, उसे सही चलो इंट्रा चेन या इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो देखने को मिलते हैं, स्टेबिलाइजिंग फोर्स है अल्फा हेलिक्स को, अल्फा हेलिक्स में ये क्या करता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये हम लोग बोलेंगे इंट्रा चेन या इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हम लोग बोलेंगे कैसा, ये कैसा होता है, तो देखो ध्यान से इसका पोलैरिटी अगर देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स का, वो क्या होता है पैरेलल होता है किसके, हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स के, ठीक है। मतलब क्या हो बताने का, देखो मतलब यहाँ पर ये हुआ कि देखो ध्यान से यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है यहाँ पर देखो दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे ये अल्फा हेलिक्स है, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, एक तरफ क्या है एन टर्मिनल, एक तरफ क्या है जैसी टर्मिनल, और ये सब क्या अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड बीच वाला क्या पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी अमीनो एसिड बीच वाला क्या पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे करके देखो ध्यान से यही है ना, ठीक है ये मान लो अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से अगर तुम देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो अल्फा हेलिक्स के अंदर ही क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप हो रहा है, ऐसे करके देखो ध्यान से ऐसे करके, ठीक है ये सब क्या हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये सब, ठीक है। एमिनो एसिड्स के बीच में क्या हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप हो रहा है ना, तो ये क्या चीज है, ये हेलिक्स एक्सिस है, अगर तुम इसको हेलिक्स एक्सिस ले लोगे, ठीक है ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो हेलिक्स क्या चीज है एक्सिस है, कौन वाला हम लोग बोलेंगे ये वाला, ये सीधा, ठीक है ये वाला हेलिक्स एक्सिस है, तो ये हेलिक्स एक्सिस के क्या चीज है पैरेलल है ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देख सकते हैं ये हेलिक्स एक्सिस के पैरेलल ही है ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग ये बोलेंगे कि अल्फा हेलिक्स में जो इंट्रा मॉलिक्यूलर या इंट्रा चेन जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हेलिक्स एक्सिस के क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पैरेलल होता है, याद रखना, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अल्फा हेलिक्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है वो हेलिक्स एक्सिस के पैरेलल होता है या परपेंडिकुलर होता है, तो याद रखना पैरेलल होता है, ठीक है याद रखना इंपॉर्टेंट है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है अल्फा हेलिक्स में वो इंट्रा मॉलिक्यूलर या इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है जो कि पैरेलल होता है, हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स एक्सिस में, ठीक है ये अल्फा हेलिक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है बहुत आसान है, तो यहाँ पर इस चीज को याद रखना। अब देखो तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, बहुत आसान है। अब देखो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह था, हाँ एक चीज देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बने, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स याद रखना, ये जो मेन चेन है ना, ये जो मेन एक्सिस है ना उसी में रहेगा, उसी के अंदर रहेगा, ठीक है याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड्स इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये कभी भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है याद रखना मेन चेन जो है या मेन जो एक्सिस है उसी के अंदर ही क्या रहेगा पैरेलली अरेंज रहेगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, याद रखना, ठीक है इस चीज को याद रखना, ये हेलिक्स एक्सिस के बाहर कभी भी नहीं आएगा, इस चीज को दिमाग में रखना। अब देखो यहाँ पर ये चीज तो क्लियर हो गया, पैरेलल टू द हेलिक्स एक्सिस होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स इंट्रा मॉलिक्यूलर इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स अल्फा हेलिक्स में। अब देखो अब क्वेश्चन आता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस किस एमिनो एसिड्स के बीच में बन रहा है और एमिनो एसिड्स में ऐसा क्या चीज है कि वो क्या बना रहा है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बना रहा है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड हम लोग बोलेंगे एमाइल हाइड्रोजन के बीच में ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू। तो इसका क्या मतलब है उसको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको मिटा रहा हूँ और ये वाला पॉइंट को क्या कर रहा हूँ समझा रहा हूँ, जो कि बहुत आसान है, ठीक है।